हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन में। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता करी, कोफ्ते का सालन भी बोल सकते हैं इसको। उसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम कीमा, इसको धोकर हमने पीस लिया है मिक्सी में, और 2 आलू लिए हैं, हरा धनिया, 2 प्याज, 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया, और भुना हुआ चना उसका भी हमने पाउडर बना लिया। 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 2 प्याज हमने इसको फ्राई की। दही, सूखे मसाले में तेज़पत्ता, फूल, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, लौंग वो ली हमने, और नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसके 2 मसाले बनते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। वो किस तरह से बनेगा हम बताते हैं। ये देखिए कीमे में डालेंगे हम 1 नमक डालेंगे, 1 ग्रेवी में भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। ये नमक डाल दिया, अब डालेंगे मिर्च पाउडर, ये इसके सालन में भी जाएगा, धनिया पाउडर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, 2 करी में डालेंगे इसके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको, और ये जो प्याज हमने फ्राई की थी वो हमने पीस ली मिक्सी में इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, हरा धनिया डालेंगे, ये भुना हुआ चना बोलते हैं इसको, उसका पाउडर बना लिया था हमने। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया कीमे को, और सॉरी ये कीमा हमने 250 ग्राम नहीं 500 ग्राम लिया है, तो ये 500 ग्राम कीमा लिया हमने। इसको सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आपका कीमा इसी तरह का होना चाहिए, एकदम ऐसा टाइट सा, तो ये आपके कोफ्ते अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तब इसको हम साइड में रखते हैं और आपको बताते कि ये करी के अंदर क्या क्या जाने वाला है। तो ये आलू डालेंगे, ये पेस्ट, हरा धनिया, मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 चम्मच तेल, और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सूखे कुछ मसाले, नमक और दही, ये उसके अंदर जाएगा ग्रेवी के। इसको हम साइड में कर लेते हैं, कीमे के बॉल्स बना लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, देखिए इस तरह से हम सभी कीमे के बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे कोफ्ते। देखिए सभी बॉल्स हमने बना के इस तरह से तैयार कर लिए। ये गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में हमने पानी डाला हुआ है, झक कर रख दिया इसको। ये पानी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर तेल डाला था। अभी बॉइल पानी में हम ये कोफ्ते इसके अंदर हम डालेंगे। इसको हम बॉइल करेंगे,
गैस हमारा फुल फ्लेम पे है अभी। इस तरह से सभी डालेंगे। ये डाल दिए हमने सभी। अब हम इसको 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए हमने इसको इस तरह से बॉईल किया। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए अब हमने तेल रख दिया कढ़ाई में। अब हम पहले आलू फ्राई कर लेते हैं इसके अंदर, जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। अभी आलू को फ्राई कर लेते हैं, 2-3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको फ्राई किया। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। आलू को हमने निकाल लिया फ्राई करके। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते, हमने निकाल दिए थे, कोफ्ते को डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे हम। हम शेलो फ्राई कर रहे हैं, आप भी फ्राई भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से फ्राई करना है इसको। अब ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। देखिए एक भी टूटा नहीं हमारा। अब हम इसको निकाल देते हैं। हमने दूसरा पैन रख दिया है और तेल डाल दिया इसके अंदर 5-6 चम्मच। अभी डालेंगे सूखे मसाले। ये देखिए डाल दिए हमने मसाले। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 ही चम्मच डालेंगे। वही वाला तेल हमने लिया जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। भून लेते हैं इसको, अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक। भून लिया हमने इसको, अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया। अब डालेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर। धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर। अब ये सभी मसाले को भून लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए मसाला भूनते हुए हमारे 5-6 मिनट हो चुके हैं। इसको एकदम अच्छे से भून लिया हमने तेल पूरा ऊपर आने तक, गैस मीडियम फ्लेम पे रखकर। अब डालेंगे इसके अंदर दही।
पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया। अब हम जो आलू हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे। कोफ्ते फ्राई किए थे वो डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। अब हम ढककर पकने देंगे इसको 10 मिनट अच्छे से तेल ऊपर आने तक। 10 मिनट हो चुके हमारे इसको पकते हुए, तेल पूरा ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे थोड़ा, हमने उसके अंदर डाला था कीमे के अंदर। अभी ग्रेवी का नमक डालेंगे थोड़ा टेस्ट के हिसाब से। हम गैस बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है कोफ्ता करी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है करी, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और जिस तरह से हमने बनाया उस तरह से आप बना कर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।